महाराष्ट्र सरकार ने 7/6/18 को एक जीआर पास किया, जिसके तहत 353 और 332 का जो कलम है उसको नॉन अवेलेबल बनाया, 5 साल का पनिशमेंट बनवाया और सेशन ट्राइबल बनवाया, ताकि जो गुने में हर एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट से जामीन मिल सकता था पब्लिक को, वो दरवाज़ा मजिस्ट्रेट की कोर्ट से बंद हो गया और कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपया सामान्य आदमी को भी खर्चा करना पड़ रहा है। और कम से कम हमारा अनुभव है कि कम से कम जामीन से आदमी बाहर आने के लिए 15 से 20 दिन लगता है। और इसीलिए ये जो कानून है जो महाराष्ट्र सरकार ने, सिर्फ महाराष्ट्र में है, पूरा हिंदुस्तान में कोई भी राज्य में या यूनियन टेरिटरी में ये काला कानून नहीं है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र ये नई सरकार जो है, जिन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि 29 लोगों को जो 353-332 में बंद किए गए थे आर्य कॉलोनी के मैटर में, उनका केस विड्रॉ किया, उसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि 353 और 332 का जो काला कानून 7/6/18 से पास हुआ था उसको जामीन पात्र किया जाए और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस चले ऐसा प्रावधान किया जाए और सेशंस कोर्ट से जो कंपलसरी किया है वो बदली किया जाए। सर, ये 353 और 332 यानी 353-332 का दुरुपयोग किस तरह से होता है? जब भी नागरिक को स्वतंत्र वाणी स्वतंत्र दिया गया है, उसमें अगर कोई फरियाद लेके आदमी जाता है, उसका फरियाद का सुनवाई नहीं होता है और वो अगर सवाल पूछता है कि मेरा कंप्लेंट क्यों नहीं लिया जाता है और मेरा डिले क्यों हो रहा है, तो अगर ऑफिसर को अच्छा नहीं लगता है तो सीधा वो अपना पावर का मिसयूज़ करके आदमी को, कोई भी आदमी हो, उसको 353 में अगर FIR किया, बंद किया, तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जामीन मिलने का असंभव होता है। सर, पावर का मिसयूज करके 353 कैसे लगा देंगे वो? अभी देखो, उसके लिए कोई ना कोई तो उनको चाहिए ना सामने। वो खुद फरियादी बनते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट खुद फरियादी बनते हैं कि हमारी ड्यूटी में इन्होंने अड़सला किया, हमारे को ऑब्स्ट्रक्शन किया। अगर आप पैसा मांगते हैं और आपका फ़ोटो निकाला तो उसमें कोई कानूनी गैरकानूनी नहीं है, मगर वो आधार पे भी आदमी FIR करने को जाता है और खाकी वर्दी हो या यूनिफॉर्म हो, सभी एक दूसरे को मदद करते हैं और सामान्य आदमी को कोई वाली नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। यानी आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का जो है, अगर कोई ऐसा मामला होता है जिसमें कोई आदमी प्रेशर लेकर के जाता है या कुछ करता है, अगर पुलिस ऑफिसर्स को वो लोग नहीं पसंद है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सीधा सीधा 353-332 के तहत कार्रवाई कर देते हैं, राइट? बिल्कुल, ये खास अनुभव है और हर एक पब्लिक का अनुभव है। ऐसा है, 332 और 353 जो सेक्शन लगा है वो बहुत सीरियस सेक्शन लगा है और ये सेशन ट्रैवल किया गया है। अभी मोस्टली देखने जाए कोई भी BHT वाले जो भी गाड़ी को भी ओवरटेक करते हैं तो कुछ भी किधर भी लगा देते हैं तो सीधा उतर अपन एक्सक्यूज क्या किया तो बोलते हैं अभी ज़्यादा होशियारी करेगा, तुमको मालूम नहीं अभी हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, 332-333 क्या है तो तुमको कुछ मालूम नहीं है, और सीधा पुलिस चौकी में जाते, जब अपनी गलती भी नहीं होती है पुलिस चौकी में जाके विदाउट इंक्वायरी विदाउट इन्वेस्टिगेशन करके डायरेक्ट FIR रिकॉर्ड करते हैं। पुलिस वाले ये गवर्नमेंट सर्वेंट देते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट का खाकी वर्दी देखते तुरंत केस रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, CCTV फुटेज वो भी देखते नहीं है और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पुलिस वाले अरेस्ट करके लेके आते हैं, तुम कोर्ट में बोलो, अभी अपनी सुनवाई कोई नहीं है। अभी इसलिए मेरे ये उद्धव ठाकरे है, उसको यही रिक्वेस्ट है कि ये 332-353 वो लोअर कोर्ट और अवेलेबल किया जावे और ये लोअर कोर्ट में चले और जाके कि वो सेशन कोर्ट में बहुत केस ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पे वो ज़्यादा केस चलने की वजह से न्याय मिलता नहीं है, इसलिए ये लोअर कोर्ट में रखा जावे और सबको अच्छी रीत से बेनिफिट मिले। सेक्शन है 353 और 332 तो ये इस धारा का जो है बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है वो ये कि ये जो कलम है वो सिर्फ महाराष्ट्र में लागू होता है, दूसरी जगह पे नहीं होता है, तो इनका साफ साफ नई सरकार से इन वकीलों का एक अपील है कि जो और मतलब इस तरह के केसेस को भी लोअर कोर्ट में जो है अनुमति दी जाए, लोअर कोर्ट से बेल दी जाए,
सारे के सारे कोर्ट सेशन कोर्ट में सारे एप्लीकेंट जो है सेशन कोर्ट में अभी करना पड़ता है, लेकिन इसको लोअर कोर्ट में अगर दिया जाता है तो काफ़ी लोगों को आसान होगा। और इन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि 353 और 332 का बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज़ हो रहा है, यानी कहीं पे भी कोई गुहार लगाने जाता है, किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे जो है मतलब एक तरह से धमकी दी जाती है कि ये, क्योंकि उनके पास पावर है पुलिस के पास, और वो इस तरह के सेक्शन में लोगों को फंसा देती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इस तरह के जामीन में 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च होता है, 15 से 20 दिन लग जाता है, ये काफ़ी मतलब मुश्किल है। जो अगर आरोपी है, कोई दोषी है, उस पर कार्रवाई हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह मिसयूज़ नहीं होना चाहिए कानून का। तो इन्होंने आज नई सरकार उद्धव जी ठाकरे की सरकार से ये गुहार लगाई है कि इस पर ध्यान दें और महाराष्ट्र से इस तरह का जो पाबंदी है उसको हटाया जाए और इसे भी लोअर कोर्ट में लाया जाए। थैंक यू सो मच।